गुड बाय हम्पी। ये दोस्तों मेन गेट है, हम जब आए थे तो रात हो रही थी यहाँ पे। मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ एक बारी। भाई थोड़ा साइड हो जा काका। ये है दोस्तों हम्पी का मेन स्टेट हाईवे से एंट्रेंस। यहाँ से हम्पी 4 किलोमीटर अंदर है, जो मेन विलेज है वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू होता है मोबाइल का। तो ये स्टेट हाईवे जहाँ पे हम खड़े हुए, और उधर से हमको आगे जाना है आज हॉस्पेट की तरफ, जो 12-13 किलोमीटर है, और ये अंदर तरफ जाता है। सो दोस्तों हम पहुँचे हैं तुंगभद्रा डैम। मेन एंट्रेंस से एंट्री करके हम लोग आ चुके हैं, जा रहे हैं ऊपर डैम की तरफ। हम आपको दिखाते हैं डैम के नज़ारे। हम सुबह 6 बजे अपने होटल से हम्पी के अंदर से निकल चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अश्विनी एडवेंचर। चलिए आइए मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए ये देखिए, ये है एंट्रेंस दोस्तों यहाँ से डैम का। इस तरह के कुछ हिरन, बैल, चीता, मोर, ये सब पाए जाते हैं। आइए ये देखिए यार, डैम पे पहुँचने से पहले क्या नज़ारे हैं यहाँ के। सुबह सुबह सनराइज हुआ है अभी, वो देखिए सामने डैम है, वो दिख रहा है आपको, हम वहीं चल रहे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, ये तुंगभद्रा डैम का बैक साइड का एरिया है। हम अभी आपको रिवर साइड लेके चलते हैं, जो डैम एरिया है। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये है मेन एरिया भारत, तुंगभद्रा डैम। और ये डैम एरिया पे अभी पता नहीं जाने देते हैं नहीं जाने देते, पूछते हैं पता करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रॉपर डैम का एरिया, देख पा रहे होंगे आप यहाँ से। वो देखिए दूर तक सारा खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पे। ये थ्रुमले अय्यानगर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1940 to 1942, इंचार्ज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द तुंगभद्रा डैम। क्या बात है यार। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम खड़े हैं तुंगभद्रा डैम पे, और दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1940 and 1942 बाय वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुज स्टैचू वाज देयर, सम मिस्टर अय्यानगर। सो लेट्स मूव अहेड, हम चलते हैं जर्नी पे, क्योंकि इसके आगे जाने को मिलता नहीं, विजिटर्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम दैट पॉइंट। लेट्स मूव ऑन। ये है दोस्तों यहाँ पे तुंगभद्रा डैम के पास मेन चौक जो है। यहाँ पर एक मॉडल म्यूजियम भी है जो आपको मॉडल दिखाएगा, बट टूरिस्ट एंड विजिटर्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ थोड़ा सा दूर से कि डैम बना कैसे है, अगर आप देखना चाहें तो। ये देखिए, ओ भाई साहब कमाल जगह है। ओ पानी से देखो वाइल्ड लाइफ भी जिंदा रहती है। ये कितने सारे बैठे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस तुंगभद्रा डैम का। हम लोग अभी ऊपर घूम के आए, बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि हम अपना कैमरा लेके नहीं गए, तो सिर्फ जो भी रिकॉर्डिंग या फुटेज आई है वो गोप्रो से आई है। पर बहुत बेहतरीन लुक था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम आए, बहुत अच्छी लगा यहाँ पर। आइए हम आपको लेके चलते हैं इधर की तरफ पार्किंग। नेशनल हाईवे नंबर 50, क्या ज़बरदस्त बना हुआ है। सुबह सुबह भी सनराइज हुआ है, सुबह का टाइम हो रहा है 8:30। हम निकल चुके हैं तुंगभद्रा डैम से, और यहाँ पर एक बदूनी केव्स हैं, बदामी केव्स। तो हम चल रहे हैं उन केव्स की तरफ। इन द मीन वाइल हम लोगों के 4100 किलोमीटर कम्प्लीटेड। देखिए आप ज़रा, 4100 किलोमीटर कम्प्लीटेड। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे विंडमिल देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त हैं दोनों तरफ, और बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है,
कर्नाटका का जो ये सेंट्रल नॉर्थ कर्नाटका का एरिया है, यहाँ पर विंड मिल बहुत सारे हैं। दोस्तों गिन के बताओ जरा कितने टायर है इस वाले ट्रक में, कितने टायर है इसमें बताना जरा। ओ भाई साहब, तो देखिए दोस्तों हमारे पीछे क्या है, हमारे पीछे है गोल गुंबज बीजापुर, या विजयपुर कह सकते हैं इसको, अब नाम इसका विजयपुर कर दिया। वैसे हिस्टोरिकली ये एक बीजापुर है, और ये गोल गुंबज मैं आपको बता दूं दोस्तों वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गुंबज है। इसके अंदर कोई भी मीनार नहीं है, कोई भी पिलर नहीं है इसको स्टेबल करने के लिए या होल्ड करने के लिए, स्टिल ये टिका हुआ है। उसके अंदर जो वॉइस है इधर से उधर जो पास होती है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बनी हुई है, आपको अंदर चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए ये देखिए दोस्तों सामने, ये देखिए दोस्तों ये सामने मेन म्यूज़ियम बना रखा है यहाँ पर, और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे आने का। आप यहाँ से आइए और लेफ़्ट लेके बैक साइड में जाइए सीधा, हम अभी वहीं चलते हैं। देखिए दोस्तों ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, और हम अभी मेरे बैक साइड में देखेंगे आप क्या है। ये देखिए ये है दोस्तों गोल गुंबज, और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, कितना मैसिव है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी इसके अंदर। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, अंदर मिलके बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है बीजापुर का गोल गुंबज। ओहो ये नीचे देखिए इसके क्या पॉइंट बना हुआ है। आदिल शाही वंश के सातवें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये बेसिकली, पर बना कितना बड़ा है। और इसके अंदर दोस्तों एक और ये आर्किटेक्चरल मार्वल क्यों कहलाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फुसफुसाहट गली है। इसका मतलब ये कि आप इतने बड़े डॉम में थोड़ी सी भी अगर आवाज़ एक साइड से करेंगे, आपको सेकंड साइड पे इतना, जो कि बीच में इसका इतना बड़ा रेडियस है इंटरनल, उसमें आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आती है। आप चल के आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या जगह है ये, आपको समझ आ रहा होगा इसके अंदर, मतलब ये ऐसी जगह है कि पूरे एक साइड में एक फ्रेम में कैमरा भी नहीं आ रहा पूरा। ये देखिए, ओ भाई साहब,
चलिए चलते हैं विस्परिंग गली, आइए। क्या जगह है ये, कितने पतली पतली जगह है, मौसम क्या जगह है, वाह क्या हवादार जगह है। आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर, बड़ी लंबी लंबी सीढ़ियां हैं। तो